नमस्कार आप सभी को। आप के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि सरकार किसी की भी बने, आप के साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो ट्रायल इन्होंने करके देख लिया है। आप थोड़ा सा अगर अवेयर रहेंगे तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि चारों तरफ इस तरह का माहौल है कि कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी उठाकर चलता है तो उसके मन में एक खतरा सा रहता है कि कहीं चालान ना कट जाए। और ये कोई मतलब कोई छोटी बात नहीं है। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि सरकार ये प्लान कर रही है कि आपके दिल में दिमाग में 24 घंटे एक डर बैठा रहे कि कैमरा आपको देख रहा है। साथ ही किसी भी टैक्सी नंबर वाली गाड़ी को, ट्रक वाले को, पुलिस वाला आपको रोके हुए नजर आ जाएगा कहीं पर भी। और मालूम है व्यवस्था खराब है सरकार की, लेकिन कसूरवार ठहराया जा रहा है आम पब्लिक को। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चालान कटे, आपके पास पर्सनल गाड़ी रखनी मुश्किल हो जाए, आप किराए की गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा चलें। और जो किराए की गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग टैक्सी चला रहे हैं या ट्रक जिनके पास है, वो लोग किसी भी तरह से मतलब उससे ज़्यादा ना कमा पाएं कि उनकी रोजी रोटी चलती रहे या उनको किस्त भरने के भी लाले पड़े रहें। तो ये पूरा इंतज़ाम सरकार ने कर रखा है। और ये सिर्फ इस सरकार ने नहीं, लगभग पूरे देश के अंदर हर प्रदेश की सरकार ने ये इंतज़ाम किया हुआ है। चालान आपके पास घर पे पहुंच ही रहे हैं। कभी भी मान लीजिए मुझे इमरजेंसी है और स्पीड वाला एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने लगा रखा है, इंटरसेप्टर लगा रखा है, और वो चालान मतलब पुलिस नहीं काट रही है बल्कि ट्रैफिक इंचार्ज नहीं काट रहा है बल्कि कंप्यूटर काट रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आप लाख कोशिश करेंगे तो उस कंप्यूटर को समझा नहीं पाएंगे कि ये इमरजेंसी थी जब आप जा रहे थे। पुलिस वाला होगा तो शायद आप समझा पाएंगे। दूसरा, पानीपत से आगे आप अपनी 10 साल से 15 साल 10 और 15 साल वाली, यानी कि डीजल गाड़ियां 10 साल से ज़्यादा पुरानी और पेट्रोल वाली 15 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं लेकर जा सकते। ये सर्कुलर जारी किया अभी ट्रैफिक पुलिस ने। अब जब ट्रैफिक पुलिस ये सर्कुलर जारी कर रही है तो उसमें बकायदा ये मेंशन किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां इम्पाउंड करनी है। तो भाई ऐसा है, हम लोग जनता सरकार मोर्चा प्लान कर रहा है कि कम से कम 500 गाड़ियां हम दिल्ली की तरफ लेकर के जाएंगे और दिल्ली के अंदर जाएंगे और कोई हमारे को रोक करके दिखाए इसको विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए। क्योंकि ये कोई क्लाइमेट चेंज का ड्रामा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई पोल्यूशन से इनको कोई फर्क पड़ता है या पोल्यूशन की वजह से ये लोग कर रहे हैं। ये पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्क्रिप्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था 2030 तक एक ऐसी दुनिया लेकर के आ रहे हैं जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपका सब कुछ जाने वाला है, बहुत जल्दी सारे बैंक उड़ने वाले हैं। अभी गोल्ड को इन लोगों ने डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है और जब देखेंगे कि थोड़े बहुत लोग रह गए हैं जिनके पास गोल्ड बचा है, उनसे ज़बरदस्ती लिया जाएगा। आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1933 के बारे में पता होना चाहिए जब सर्कुलर आ गया था। बिना गोल्ड स्टैंडर्ड रखे ये लोग पैसा छाप रहे हैं, बेहिसाब पैसा छाप करके ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं ताकि वो हमारी ज़मीनों को, प्रॉपर्टीज़ को लें। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे में दबे रहें और इंस्टॉलमेंट्स पे ना कर पाएं, ताकि आप 24 घंटे डरे रहें, डिप्रेशन में रहें, बीमार रहें। दो साल पहले जो आपको शरीरों उसमें आपने देखा होगा कि उस वक्त भी आप लोगों को अभी उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। लोगों को बॉडी में पेन आना शुरू हो गया है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, लकवा है, नपुंसकता है, बांझपन है, सब कुछ आप लोगों को आसपास आपके साथ हो रहा है। ये इधर से पुलिस को ख़त्म करके सारा कुछ मशीनरीज को दिया जा रहा है, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, अब रोबोट्स जो है वो इम्प्लांट कर सकते हैं। फौज को भी ख़त्म करने की प्लानिंग चल रही है, अग्निवीर अभी जल्दी से आ जाएंगे, अपनी फौज और अपनी पुलिस बना सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, इस तरह के कानून आ रहे हैं। आपके घरों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन्स को, टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं, और इन एक्टिविटीज़ को अगर हम लोग गौर से नहीं देखेंगे तो आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है भविष्य के अंदर। तो इस सब से लड़ने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है।
इसी मुहिम के चलते हमको एक दो प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं। पहली प्रोसेस एक तो जो सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करने की बातचीत चल रही है, लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में शामिल करने की बात चल रही है, और जो वांचुक जी जो इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, पहले वो इससे पहले उन्होंने आमरण अनशन भी पे भी बैठे थे, तो हम लोग उसकी सपोर्ट में एक बाइक रैली निकालने का प्लान कर रहे हैं। और बाइक रैली दिल्ली से निकले या करनाल से निकले या चंडीगढ़ से, वो लोग प्लान कर लेंगे, पर जनता सरकार मोर्चा एक बाइक रैली निकालने का प्लान कर। तो कौन कौन साथी है जो लद्दाख ले चलना चाहता है बाइक पर, उनको समर्थन देने के लिए। हाँ, आप अपनी फैमिलीज को भी लेकर के जाना चाहते हैं, टेंट्स वगैरह और फैमिलीज वगैरह को भी लेकर चलना चाहते हैं, तो वो उसके लिए गाड़ियाँ अरेंज हो जाएंगी, फैमिलीज के लिए गाड़ियाँ हो जाएंगी, पर जो या बीमार हैं या बुजुर्ग हैं वो गाड़ी से चल पड़ सकते हैं, बाकी के जो नौजवान साथी होंगे वो बाइक से चलने का प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग उसके लिए अपनी सहमति जताने के लिए मैंने आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आप सब चलने को तैयार हैं, और आप अपनी राय लिखिए इसके अंदर कि उस यात्रा को हम लोग सेकेंड लेवल की ट्रेनिंग के बाद बहुत जल्दी करने वाले हैं। सेकेंड लेवल की ट्रेनिंग है अपनी जो 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सहारनपुर में होनी है, जनता सरकार मोर्चा की जो 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग 7 दिन की उन्हीं लोगों को उसमें निमंत्रण है या उन्हीं लोगों को उसमें वो आ सकते हैं जिन लोगों ने लेवल 1 की 3 दिन की ट्रेनिंग लगाई हुई है। उसमें हमने सीट्स थोड़ी लिमिटेड रखी हैं कि हम 400 से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं ले सकते उसके अंदर, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके कुलदीप के पास करवा दीजिए। कुलदीप भाई का नंबर और रविंदर का मैंने नंबर भेज दिया है, एक जने के पास अपना मेंशन कर दीजिए, वो आपको उस ग्रुप का लिंक भेज देंगे जिसमें हमने वो जानकारियाँ देनी है जो सेकेंड लेवल की ट्रेनिंग के लिए साथी हैं। आप उनको बताएंगे कि आपने कौन सी ट्रेनिंग अटेंड की थी, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर आपकी अटेंडेंस रजिस्टर में आपको चेक कर लेंगे, और फिर आपको सेकेंड लेवल की ट्रेनिंग के लिए हम रजिस्टर कर लेंगे। इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो ट्रेनिंग का जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो हम लोग कोऑपरेटिव तरीके से मतलब वहन करेंगे, यानी हम सब लोग टोटल जो खर्चा है उसको डिवाइड करेंगे, और जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो हम सब में बटेगा, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं हैं इस वक्त, हमारे पास फंड्स बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो ये कहा कि आवेदन के लिए आप जितना चाहे उतना शुल्क दे सकते हैं या उतनी सहायता राशि दे सकते हैं, तो कुछ साथियों ने तो 101 रुपया भी हम लोगों को भेजा है, उसके लिए भी उनका शुक्रिया, लेकिन लोगों ने अब जो प्रोपेगेंडा चलाया था कुछ लोगों ने कि ये लोग मतलब बहुत पैसा कमा रहे हैं और बहुत पैसा ले रहे हैं, उन साथियों के लिए बता दें कि भैया अभी हमारे पास फंड्स नहीं हैं, तो आप लोगों को ही हमारी मदद करनी पड़ेगी, तो हम सब मिलकर के उसको करेंगे। जिन साथियों ने लेवल जो बेसिक ट्रेनिंग है, एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग है, वो जिन्होंने अटेंड की हुई है, वो उनको बोलिएगा कि उन लोगों के लिए स्पेशल खबर है कि आप लोग जून के महीने में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एडवांस ट्रेनिंग, जो फाइनल ट्रेनिंग है जिसको मैनुअल किया जाता है, वो करने वाले हैं। जिन लोगों ने भी बेसिक ट्रेनिंग की हुई है, उस बेसिक ट्रेनिंग के नोट्स जिन्होंने भेजे हुए हैं, केवल वही लोग एलिजिबल होंगे उस मैनुअल ट्रेनिंग के लिए, और अपने अपने गाँव में इसके ऊपर प्रैक्टिकल हमको करना होगा। जब आप फाइनली एक हमारे जो कॉन्सेप्ट जो स्कूल है हमारा, जो कॉन्सेप्ट विद्यालय है, जो गुरुकुल, जो आर्यकुल, जो शिष्यकुल हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको उस एलिजिबिलिटी के लिए आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा। अभी जो स्कूल का कॉन्सेप्ट हमने शुरू मतलब प्लान किया है कि उस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत क्या रहेगी कि उस स्कूल में हमारा किसी का भी मालिकाना हक नहीं रहेगा, और वो पूरी तरह से समाज का स्कूल रहेगा। उस पर हम लोग उसके संविधान के ऊपर, उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर हम लोग काम कर लेंगे कि उसका मैनेजमेंट किस तरह से बदला करेगा, किस तरह से उसमें काम होंगे और क्या रहेगा। लेकिन मोटी बात यह है कि स्कूल का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन होगा कि एक बच्चे के मतलब एक टीचर के पास या एक फैसिलिटेटर के पास टोटल 15 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, मैक्सिमम बच्चे 15 होंगे, 10 से 15 बच्चों
को मतलब पर टीचर हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, यानी अगर 15,000 बच्चों का अगर स्कूल होगा तो हम 1,000 टीचर्स कम से कम हम लोग उसके अंदर, फैसिलिटेटर्स हम लोग उसमें कम से कम रखेंगे 1,000। तो वो 1,000 लोग कौन होंगे, उसके लिए कंपलसरी पॉइंट है कि उन्होंने वो एजुकेशन की ट्रेनिंग पक्का करी हुई होनी चाहिए, केवल वही एलिजिबल होंगे। उसमें पर्क्स हम लोग क्या देने वाले हैं, या इसमें हम क्या चीज़ इसमें अंदर ऐड करने वाले हैं, कि ऐसा क्या स्पेशल होगा उसमें। देखिए, जो बच्चा उस स्कूल के अंदर एंटर कर जाएगा, उस विद्यालय के अंदर जो भी बच्चा आएगा, उसको उसका जीवन भर के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसको पढ़ाने का, उसको तैयार करने का जीवन के लिए, और फिर जीवन में उसको एस्टैब्लिश करने का जो जिम्मा है वो इंस्टीट्यूशन का होगा। यानी वो जिस भी काम के लिए पैदा हुआ है, परमात्मा ने जिस भी तरह का उसको दिमाग दिया है, वो पूरी तरह से तैयार करके उसको समाज में एस्टैब्लिश करने का काम वो विद्यालय करेगा। और अगर आप वहाँ काम करना चाहते हैं तो आपके भी जीवन भर का जो मतलब जिम्मेदारी है वो भी वहीं से होगी। यानी आपको वहाँ से भी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब आपको अपनी जेब से कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और प्लस एक अलग किस्म का स्कूल होगा, उस पे कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। बट मेन बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये होगी कि उस स्कूल के अंदर अगर आपको किसी भी पोस्ट पर काम करना है, किसी भी पोस्ट पर, मतलब इवन आपको वहाँ आप ये कहते हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है और मैं वैसे विद्यालय में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, तो भी एजुकेशन की वो ट्रेनिंग कंपलसरी होगी उसके लिए। तो आप सबको वो सब तो करनी ही होगी। जो वहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं उनके लिए भी एजुकेशन की वो ट्रेनिंग कंपलसरी होगी। फाइनल लेवल की बेशक ना हो, लेकिन बेसिक तो चाहिए ही चाहिएगी। फिर इसके लिए भी जैसे हमने बताया कि एक यात्रा हमने एक ट्रेनिंग हमने प्लान की है जो लेवल 2 की है, एक ट्रेनिंग हमने प्लान की है जो बेसिक के बाद एडवांस जो एजुकेशन की है, तीसरा हमने प्लान किया है एक लेह लद्दाख का ट्रिप जो कि बाइक से होगा, बाइक रैली, चौथा होगा हमारा हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए, आदिवासी कबीलों को बचाने के लिए किया गया वो इवेंट, वहाँ पर भी हम लोग बाई कार या तो रैली निकालेंगे या कैसे भी यहीं से जाएंगे, फिर हरियाणा से और छत्तीसगढ़ तक हम पूरा हसदेव के जंगलों में जहाँ भी वो आंदोलन चल रहा है वहाँ तक प्रचार करते हुए जाएंगे, लोगों को जगाते हुए जाएंगे, रास्ते के गांवों में लोगों से मुलाकात करते हुए जाएंगे। और ये सब करने के बाद जब ये हम हसदेव वाला भी कर चुके होंगे, ट्रेनिंग्स भी कर चुके होंगे, उसके बाद मैं निकलूँगा साइकिल यात्रा पर पूरे हरियाणा के लिए, पूरे हरियाणा में एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, पूरे हरियाणा के लोगों को जोड़ने के लिए हम निकलेंगे वहाँ पर। और जब ये पूरा हो जाएगा तब हमारे पास उसकी समाप्ति के बाद एक बड़ी रैली हम लोग करके, फिर चाहे ये गाड़ियों वाले आदेश हैं, फिर चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत है, चाहे फिर बैंकिंग के सिस्टम पे है, चाहे भारत सरकार के पॉइंट है, गांव बचाने का है, जल जंगल जमीन जानवर का है, या शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती पर जो हमारे विजन है, वो हम पूरे गांव को, पूरे समाज को, पूरे हरियाणा को हम देने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग स्वराज की घोषणा करने वाले हैं। उससे पहले हमें एक परिवार चाहिए, परिवार ऐसा कि जैसे एक मतलब छोटा परिवार, जैसे कि हम कमेटीज बनाते हैं उस तरह से, तो और एक थोड़ा बड़ा परिवार। तो बड़े परिवार का जो कॉन्सेप्ट मैंने प्लान किया है वो यह है कि हम कम से कम 5,000 लोगों का परिवार हमको चाहिए। 5,000 लोगों के परिवार का मतलब ये हुआ कि यदि आप मतलब हम लोग 5,000 परिवार हो जाते हैं और हम हर रोज़ मात्र 1 रुपया भी डेली का एक दूसरे मतलब देते हैं, जमा करते हैं अपने पास या परिवार के पास 1 रुपया रोज़ का सिर्फ, तो 1 रुपया रोज में हमारा इंश्योरेंस हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप अपने परिवार की परवरिश कर रहे हो और समाज के कामों में लग रहे हो तो आपको 1 रुपया रोजाना जमा करना है। और जब आपको कुछ हो जाता है, मान लीजिए 5,000 परिवारों में से किसी भी एक व्यक्ति को, काम करने वाले को जो परिवार चला रहा था उसको कुछ हो जाता है, तो वो सारे 5,000 परिवार उस एक परिवार को 1 रुपया रोज का देंगे, यानी कि लगभग 5,000 रुपया डेली का हो गया आपका। तो उस पे हम लोग काम कर लेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, कि आपको फिर इन कंपनीज के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अपने समाज से ही काम चलाएंगे। हमारे उस 5,000 परिवारों 5,000 लोगों के उस परिवार की, या 5,000 परिवारों के उस परिवार की कंडीशन है,
उसकी सबसे पहली कंडीशन यही है कि एक तो हमने आसपास से लोगों के मतलब जो हमारी लेनदारी है देनदारी है वो क्लियर हो, और दूसरा जो स्पष्ट है, मतलब कुछ लोग तो वैसे ही आरोप भी लगा देते हैं। अभी मान लीजिए किसी ने हमको कोई गिफ्ट कर दिया कुछ, और वो कहने लगे कल को उसके कि पैसे वापस करो, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा गिफ्ट दिया था मैंने, और मेरे अब हमारी बनती नहीं है, अब मेरे पैसे चाहिए हमको वापस, तो वो वाले इल्ज़ाम अगर कोई लगाता है वो नहीं, मतलब एक्चुअली हमारी लेन देन जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर जो कंडीशन है वो ये है कि हम लोग अपने नेचुरल जो कोर्स है, जो नेचुरल संविधान है, जो हमारा प्रकृति का संविधान है, जो कुदरत के जो बनाए हुए नियम हैं, हम उनको फॉलो करते हों। मतलब हमारी जो कोशिश है वो यही रहे कि मिनिमम पर्यावरण का हम ह्रास करने वाले कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना मतलब हमारा पर्पस हो, समाज हमारे लिए पहले नंबर पर आता हो, पड़ोसी का बच्चा हमारे बच्चे से के बराबर हो या उससे पहले आता हो, तो हम उस कॉन्सेप्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जब वो स्कूल बनेगा, वही फिर हमारे साथियों को जो नए जो लोग होंगे, क्रांतिकारी होंगे, उनके लिए भी एक सहयोग का केंद्र बनेगा। वही वहीं से फिर हम समाज को, पूरे समाज को एक दिशा दिखा सकते हैं कि एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर बच्चे ही, हर बच्चा उसके अंदर हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है कामों के अंदर, और फिर उसके बाद वो तैयार भी होता है, प्लस वो अपना पूरा सिस्टम चलाते हैं, और बिना किसी बाहरी सहायता के इतने सारे लोग आपस में सर्वाइव कर सकते हैं, को एग्जिस्टेंस की थ्योरी को, को एग्जिस्टेंस के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने होंगे। इसके लिए आप लोग जितना सहयोग हम चाहते हैं, जो सहयोग हमें चाहिए, वो है कि आप जागरण के लिए लोगों को कितना तैयार कर सकते हैं। हमारे पास वक्ता बहुत सारे तैयार हो रहे हैं, और सेकंड लेवल की ट्रेनिंग के बाद, जो ये भी सेकंड लेवल की ट्रेनिंग सहारनपुर में है 9 तारीख से 15 तारीख तक, तो एक ट्रेनिंग हमारी 29, 30 और 1 मई को 29, 30 अप्रैल और 1 मई, यानी 3 दिन की रतलाम में होनी तय हुई है। उसके बाद एक ट्रेनिंग हमारी 5, 6 और 7 मई को रांची में होनी तय हुई है, और ये रांची वाली ट्रेनिंग ख़त्म होते ही हम 8 तारीख को 7 को जब वहाँ से वापस आ जाएंगे, तो 9 तारीख को फिर हमारी ट्रेनिंग अगले लेवल 2 की हो जाएगी, वो सहारनपुर में होनी तय हुई है। तो उस ट्रेनिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो मैंने दे दिए हैं, आप लोग आइए। उसमें अपने समाज को जगाने के लिए आप कैसे तैयार हों, ये कैसे फाइट करनी है, और आने वाले वक्त में हमको किस तरह से तैयार रहना है, इसकी एक रूपरेखा और इसका एक पूरा पैरामीटर्स वहाँ तय होंगे, और हम आगे एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, समय बिताएंगे, तो एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा, और हमें अपनी लड़ाई के इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझने का मौका मिलेगा। तो दूर दूर के साथी हैं, अपनी बुकिंग्स आप करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको बता देंगे कि जो करनाल का जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे नज़दीक पड़ता है, और एयरपोर्ट चंडीगढ़ का भी उतना ही पड़ता है, और चंडीगढ़ वाला थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा, तो चंडीगढ़ की टिकट डायरेक्ट आपकी होती है। तो आप लोग इसके लिए अपनी तैयारियां करके रखिए, 9 तारीख से 15 तारीख तक का समय अपना स्पेयर करके रखिए। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चंस हैं तो आप मैसेज भेज सकते हैं, कुलदीप भाई के पास भेज दीजिए, आप लोग रविंद्र भाई के पास भेज दीजिए, आपके पास में वो संदेश आ जाएंगे। और कोई भी किसी भी तरह का आपको कुछ भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमारे साथ ही आपको रिप्लाई करेंगे, आपको बता देंगे। अपनी जो टीम है वो इस पे पूरी तरह से लगी हुई है, और 9 से 15 की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग जुड़े, आप साथ आए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक भेजिए इसको, और जितना ज़्यादा आप लोगों तक भेजेंगे उतना आसान रहेगा। जितना कमेंट इसके ऊपर करेंगे, किसी बात के ऊपर बताइए, सवाल पूछिए, जितने आप सवाल पूछेंगे उतना ही इजी रहेगा, लोगों तक बात जाएगी। एक बंदे ने सवाल पूछा है तो दूसरे को भी उसका जवाब मिल जाएगा। तो आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल मैं देख लेता हूँ, अगर किसी साथी का है तो वो मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन आप कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। आप सचदेव वाली में जाना चाहेंगे, आप लद्दाख जाना चाहेंगे, आप एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में जो साइकिल वाली, हम साइकिल से ही करेंगे यात्रा, और पूरी गर्मी में हम लोग करने वाले हैं। फसल अगली फसल आने से पहले का प्लान है हमारा,
कि हम लोग इस पूरी यात्रा को निपटा लें। अगर लगेगा कि बीच में फसल का टाइम आ गया है तो हम उसको गैप भी दे सकते हैं, बट डिपेंड करता है किस तरह से रहेगा। पर उससे पहले हमारे पास एक टीम होनी चाहिए जो पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए तैयार हो। तो आप लोग क्या क्या ड्यूटीज़ निभा सकते हैं, साइकिल पर चलने के लिए तैयार हैं या जिस भी साधन से आप उस यात्रा में चलेंगे? आप इस पूरी वीडियो को सुनिए, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप किस किस पार्ट में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। आप जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निडर इंडिया चैनल है, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।